हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम हेड टैग को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में। एचटीएमएल का जो हेड टैग था वो हम नेक्स्ट जेएस का हेड कंपोनेंट की हेल्प से ऐड कर रहे थे हमारे पेजेस में, यहाँ पर हमने ऐड किया था। और इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इस हेड टैग को कैसे रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सिर्फ एक हमारा जो लास्ट वाला रिटर्न स्टेटमेंट है JSX, वहीं पर हम हेड कॉम्पोनेंट को ऐड कर पा रहे हैं। और अगर इसे मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो मुझे सेम चीज़ को लाइक मल्टीपल टाइम्स, ये जो जहाँ पर वैलिडेशंस और एरर में हैंडल कर रहा हूँ वहाँ पर भी मुझे इसको पेस्ट करना रहेगा, और वो हमारा लॉजिक का लाइक कॉपी पेस्ट हो जाता है। बट हम कैसे इसको रीयूज कर सकते हैं वो चीज़ आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो इसके लिए हमें कोई अलग से अप्रोच नेक्स्टजेएस प्रोवाइड करता है ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल जो हमारा रिएक्ट का अप्रोच रहता है वो अप्रोच भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और वो अप्रोच ये रहता है कि मैं इस पर्टिकुलर हेड कॉम्पोनेंट को यहाँ से कट करता हूँ और इसको फिर मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। ऐसा हम कर सकते हैं, ऑलरेडी आपको भी पता है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट जेएस नहीं, इन द सेंस रिएक्ट जेएस हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और वेरिएबल का नाम दे देता हूं पेज हेड टेक। और इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं अपना JSX कोड यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं, और इसको आप इनक्लोज करना चाहते हैं तो पैरेंथेसिस में कर सकते हैं। और अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं सब जगह यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पर भी मुझे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, पहला हमारा रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ पर आएगा जब हमारे पास लोडेड इवेंट्स नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर भी मैं अब इसको डायनामिकली ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड करूँगा? तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। अब ये मुझे एरर देगा क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो हमें फ्रेगमेंट का यूज़ करना होता है एक रूट एलिमेंट की तरह से। तो इसको यहाँ पर मैंने ऐसे यूज़ कर लिया, इनको इनक्लोज कर दिया इसको फ्रेगमेंट सिंटैक्स में, फ्रेगमेंट टैग्स में। और इसी वेरिएबल को मैं फिर से यूज़ कर सकता हूँ जो मेरा नेक्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट है जहाँ पर मैं वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, ये तो फ्रेगमेंट के अंदर ही है। तो जो हेड टैग में यहाँ पर भी अगर रेंडर करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर इफ चेक में भी अगर मेरा एग्जीक्यूशन जाता है तो इनिशियल पेज से ही मेरा हेड टैग सर्वर पर ही रेंडर होकर आ जाएगा, जो लास्ट टाइम हमारा सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट में, दैट मीन्स अगर लास्ट में हमारा कोड पहुँचता था तो ही हो पा रहा था, इनिशियली नहीं हो पा रहा। यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है यहाँ पर भी मैं ऐड कर सकता हूँ मेरे उस हेड कंपोनेंट को जिसको मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर किया है। तो अब जब मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग से इनिशियल में अब मेरे पास एक प्रॉब्लम और आ गया है, वो ये है कि आई थिंक हमारे पास नम मंथ यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसको मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सो दैट ये वैल्यूज़ मुझे स्टार्टिंग में ही मिल जाए। बट यहाँ पर मुझे फिर एरर आ रहा है, आई थिंक वो एरर क्या है कि रीडिक्लेयर का, अच्छा हाँ मैंने इसको कॉपी किया है, दैट मीन्स इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ फिर, या डिलीट कर दिया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है ताकि कट एंड पेस्ट कर दी है ताकि फिल्टर्ड नम ईयर और नम मंथ मुझे ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। पेज हेड टैग के अंदर मेरा ऑलरेडी JSX रहेगा, जो मेरा हेड कॉम्पोनेंट है वो रहेगा, और वो चीज़ मैंने फिर जितने भी मेरे रिटर्न JSX स्टेटमेंट्स थे वहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इसी एक लॉजिक को हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है मल्टीपल लाइंस को, हम इनको सिंगल लाइन में अचीव कर पा रहे हैं। साथ ही मैं अपने एप्लीकेशन को सेव करता हूँ, मैं क्रोम पर जाता हूँ और ये हमने स्लग पेज पर इंप्लीमेंट किया, दैट मीन्स अगर मैं मैप पर जाता हूँ, फाइंड इवेंट पर क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर तो मुझे आ जाएगी एरर। और वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर वो रीड नहीं कर पा रहा है। डेफिनेटली इनिशियली जब हमारा कॉम्पोनेंट लोड होगा तो हमारे पास फिल्टर डेटा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो राउटर यूज राउटर है वो बाद में एक्सिक्यूट होता है वंस हमारा कॉम्पोनेंट रेंडर जो रेंडर हो जाता है उसके बाद। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, दैट मीन्स कि हमारा लोडेड इवेंट्स के बाद ही मुझे उसको रखना रहेगा। तो इसको तो हम वापस नीचे ले आते हैं, दैट मीन्स को कट करना होगा मुझे, और हम यहाँ पर इसको रख देते हैं और इसी के नीचे फिर मेरा ये पर्टिकुलर वेरिएबल भी रहेगा। बट इसको मुझे अब चेंज करना रहेगा क्योंकि यहाँ पर नम एंड मंथ रहेगा, बट यहाँ पर अब ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इसको मैं कर देता हूँ चेंज, दैट मीन्स इसको मैं यहाँ पर लेट पेज हेड टैग डिफाइन कर देते हैं, और अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं दे देता हूँ वही चीज़, बट अब कुछ अलग तरीके से। कैसे अलग तरीके से? जो कॉन्टेंट था मेरा वो मैंने सेम नॉट कॉन्टेंट जस्ट कम्प्लीट हेड कॉम्पोनेंट में यहाँ से कॉपी करूँगा और इस हेड कंपोनेंट को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मैंने इसका लेट इसलिए डिफाइन किया यहाँ पर ताकि मैं इसको इस पर्टिकुलर इफ चेक के एग्जीक्यूशन के बाद मैं पेज हेड टैग को नीचे चेंज कर सकूँ, उसका वैल्यू चेंज कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मेरे पास नम मंथ एंड ईयर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ डायनामिक मैं यहाँ पर एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे सकता हूँ, एंड दैट इज ए इवेंट फिल्टर्ड पेज, इवेंट फिल्टर्ड पेज। मैंने यहाँ पर ये हार्ड कोडेड वैल्यू दे दिया, अगर यहाँ से एग्जीक्यूशन हमारा पास होगा दैट मीन्स अगर लोडेड कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल रहेगा दैट मीन्स हम फिल्टर डेटा
भी अवेलेबल रहेगा हमारे पास। तो जब ये दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू मेरे पास आ जाएंगे और फिर हम पेज हेड टैग को यहाँ पर लाइक विदाउट एनी एरर यहाँ पर हमारा हेड कॉम्पोनेंट एक्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर अगर इस वैलिडेशन में हमारा कोड एंटर होता है तो हम यहाँ पर तो पेज हेड टैग रेंडर कर ही रहे हैं, और फिर अगर इस पर्टिकुलर वैलिडेशन में भी मेरा एग्जीक्यूशन एंटर होता है तो यहाँ पर भी मेरा कस्टमाइज पेज हेड टैग जो हमने ऊपर एक वेरिएबल में असाइन किया है JSX कोड वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा मेरे कंप्लीट JSX कोड में। और आपको पता ही है कि ये जो हेड कंपोनेंट के अंदर जो भी मेरी चीज़ें रहती है, जो भी मेरे टैग्स रहते हैं, वो नेक्स्टजेएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑन बिहाफ ऑफ अस, कि जो हमारा एक इनिशियल पेज रहता है लाइक जो व्यू पेज सोर्स है इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं हमारा HTML का जो सिंटैक्स रहता है वहाँ पर जो हेड टैग रहता है उसमें ये मेरे टाइटल और मेटा टैग वो इंक्लूड कर देगा। और अगर मैं लास्ट में भी जाता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इस रिटर्न स्टेटमेंट में पहुँचता हूँ तो यहाँ पर भी मैं पेज हेड टैग को इंक्लूड कर लूँगा ताकि मेरा इस पर्टिकुलर रिटर्न JSX के लिए भी जो सर्वर से ही मेरा हेड टैग भी रेंडर होकर आ जाए। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और हम इस पेज पर जाते हैं और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे विदाउट एनी एरर यहाँ पर प्रॉपर डेटा दिखेगा। और अब अगर मैं इसको व्यू पेज सर्च करके देखता भी हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास टाइटल में प्रॉपर टाइटल अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, इवेंट फिल्टर्ड पेज, क्योंकि हमारे पास इनिशियली अवेलेबल नहीं था डेटा। दैट मीन्स कि मेरा जो हेड टैग है वो सर्वर से ही रेंडर होकर आ रहा है हमारे पास। तो ये तो हुई बात हमारी जब हमने लॉजिक को रीयूज किया, बट स्टिल यहाँ पर हम लाइक इस पर्टिकुलर लाइन को इस पर्टिकुलर पेज पर, दैट मीन्स कि एक लाइन तो हम यहाँ पर स्टिल लिख ही रहे हैं उस पर्टिकुलर लॉजिक को यूज़ करने के लिए। बट हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस रहते हैं और मे बी ऐसा हो सकता हो कि हम एक कॉमन हेड टैग या फिर HTML का जो हेड टैग रहता है हमारा जहाँ पर हम टाइटल और मेटा टैग लिखते हैं वो हम एक कॉमन जगह लिखना चाहते हैं, जिसकी हेल्प से ये होगा कि अगर मेरा कोई पेज है जहाँ पर मैंने मिस भी कर दिया हेड कॉम्पोनेंट को ऐड करना तो वो पेज मेरा लाइक वो पर्टिकुलर कोड मेरा पिकअप कर ले नेक्स्टजेएस और उस पर्टिकुलर पेज के लिए जहाँ पर मैंने मिस कर दिया है अपना हेड कंपोनेंट को ऐड करना वहाँ पर ऐड कर दे। डायरेक्टली कहूँ तो मुझे एक ऐसा फाइल चाहिए जो फाइल मेरा सारे पेजेस के लिए रन होता हो, तो ऐसा एक फाइल है हमारे पास जिसका नाम है _app.js। ये पर्टिकुलर फाइल मेरी पेजेस फोल्डर के अंदर ही रहना चाहिए और ये फाइल हमको जब हम नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट जेएस ही प्रोवाइड करता है। और ये पर्टिकुलर फाइल मेरे रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी मैं पेजेस बनाऊंगा, दैट मीन्स जितने भी मेरे पेज कंपोनेंट रहेंगे उन सभी पेज कंपोनेंट के लिए ये मेरी फाइल एग्जीक्यूट होगी। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही मेरा लेआउट कंपोनेंट रहता है और उस पर्टिकुलर लेआउट कंपोनेंट के अंदर नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली जो भी मेरा URL आता है उसके बेसिस पर जो मेरा कंपोनेंट रहता है वो कंपोनेंट इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप पास करता है और फिर वहां पर जो मेरा लेआउट रहता है उस पर्टिकुलर लेआउट में नेक्स्ट जेएस हमारे बिहाफ पर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने शो ऑल इवेंट्स पर जब अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला जो राउट है इस राउट के लिए जो कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा वो कंपोनेंट नेक्स्टजेएस _app.js फाइल में एज ए प्रॉप सेंड करेगा और फिर वो app.js फाइल मेरा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करेगा। इन शॉर्ट कहूं तो _app.js फाइल मेरी हर पेज कंपोनेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स मैं यहां पर भी हेड कंपोनेंट मेरा ऐड कर सकता हूं ताकि मेरा हेड कंपोनेंट या फिर हेड टैग जो कि मेरा टाइटल होता है, मेटा टैग होता है, वो चीज़ें मेरी उन कंपोनेंट्स, उन पेज कंपोनेंट्स के लिए भी एग्जीक्यूट हो पाए या फिर उनमें ऐड हो जाए जिनमें मैं लाइक स्पेसिफिकली भूल गया हूँ ऐड करना। तो यहाँ पर उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर हम ऐड इंपोर्ट कर लेते हैं हेड, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं हम हेड फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, next/head लाइब्रेरी से। तो ये चीज़ हमने इंपोर्ट कर ली, फ्रॉम की स्पेलिंग में m ऐड कर देते हैं तो एरर भी नहीं आएगी हमें। और अब इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ लेआउट के अंदर, इस पर्टिकुलर लेआउट में मैं हेड कंपोनेंट यूज़ कर सकता हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पर मैं मेटा टैग ऐड कर सकता हूँ जिसका मैं नेम दे देता हूँ मे बी व्यू पोर्ट, इसका हम नाम दे सकते हैं व्यू पोर्ट। और यहाँ पर जो कंटेंट रहेगा मेरे पास इस व्यू पोर्ट के लिए वो मैं दे देता हूँ इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 कॉमा विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं डिवाइस विड्थ, डिवाइस हाइफन विड्थ। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी दे दिया है मेटा टैग को। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करता हूँ तो मैं जिस भी राउट पर जाऊँगा, फॉर एग्जांपल इवेंट्स राउट पर गया मैं या फिर किसी लाइक स्लग राउट पर गया हमारे या फिर नॉर्मल पेजेस के अंदर जो मेरा index.js है उस पर्टिकुलर राउट पर गया,
तो वो राउट यहाँ पर आएगा, दैट मीन्स वो कॉम्पोनेंट यहाँ पर ऐसे प्रॉप्स आएगा और उस कॉम्पोनेंट में मेरा हेड टैग भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब मैं जाता हूँ क्रोम पर और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर इस पर्टिकुलर पेज को, तो अभी मैं सेलेक्ट पेज पर तो हूँ नहीं। अब अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करके देखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा हेड टैग है उस पर्टिकुलर हेड में मेरा ये ऐड हो चुका है, जो मैंने वहाँ पर लाइक जो अंडरस्कोर एप डॉट जेस फाइल में जो हेड टैग में इंक्लूड किया है वो मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है। और अगर इसको मतलब वो अगर व्यू पेज सोर्स करके देख रहा हूँ मैं, दैट मीन्स वो मेरा सर्वर पर ही रेंडर होकर आ रहा है, बट मैं इंस्पेक्ट करके भी देख सकता हूँ उसको। तो इंस्पेक्ट करके अगर देखूंगा तो टाइटल और ये जो मेटा है दैट मीन्स नेम मेटा टैग में जहां पर मेरा डिस्क्रिप्शन नेम है वो और जो टाइटल है वो तो मैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में दे रहा हूँ। अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, फाइंड इवेंट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर फिल्टर्ड इवेंट्स एंड ये वाला जो मेटा है डिस्क्रिप्शन वाला, ये दोनों पर्टिकुलर पेज कॉम्पोनेंट में सेट कर रहा हूँ। कहाँ पर सेट कर रहा हूँ, स्लग में जाते हैं तो यहाँ पर जब ये हमने ये दो टैग्स जो हेड कॉम्पोनेंट में वो तो हम इस पर्टिकुलर फाइल में सेट कर रहे हैं, बट अंडरस्कोर एप फाइल में हम दूसरा मेटा टैग जो लाइक ऐड कर रहे हैं जो लाइक हमने लिखा हुआ है वो है व्यूपोर्ट, जिसका नेम है व्यूपोर्ट, तो वो भी यहाँ पर हमारा ऐड हो रहा है, लाइक नेक्स्ट जेस हमारे बिहाफ में वो ऐड कर रहा है। और ये जो व्यूपोर्ट है व्यूपोर्ट के साथ जो मेरा मेटा टैग है वो मेरा हर फाइल में एडेड है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अंडरस्कोर एप डॉट जेएस फाइल मेरा हर एक पेज कंपोनेंट के लिए एग्जीक्यूट होता है, और वहां पर जो कोड लिखा है मैंने, जो हेड कंपोनेंट वहां पर लिखा है, वो हेड कंपोनेंट मेरा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कोड के साथ रिटर्न होता है। ये होता है हमारी अंडरस्कोर एप डॉट जेएस का काम। अगर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ा है तो रिएक्ट जेएस में भी हमारे पास एप कंपोनेंट रहता था, जहां पर हम लाइक सारे कंपोनेंट्स एड ऑन करते थे, जहां पर लाइक जो मेरा एक रूट कंपोनेंट रहता था। तो यहां पर भी अंडरस्कोर एप डॉट जेएस जो मेरा है वो मेरा एक रूट कंपोनेंट आप समझ सकते हैं, जहां पर मेरा लेआउट रहता है और उस लेआउट के अंदर मैं इंक्लोज कर देता हूं मेरे सारे पेज कंपोनेंट्स को। मैं नहीं करता हूं, वो नेक्स्ट जेएस करता है मेरे बिहाफ में। तो ये हो गई बात जहां पर हमने हेड को यहां पर ऐड कर दिया। बट अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर मैंने यहां पर हेड कंपोनेंट लिखा हुआ है तो मेरा ये वाला हेड कंपोनेंट चल रहा है, या फिर अगर मैं इवेंट पेज में जाऊं, दैट मींस अगर मैं इवेंट पेज में जाता हूं तो यहां पर भी मेरे पास हेड टैग है, तो हेड कंपोनेंट अब मेरे पास दो दो हो गए। एक हेड कंपोनेंट जो मेरा उस पर्टिकुलर पेज कंपोनेंट के अंदर है, दैट मींस ये रहा मेरा हेड कंपोनेंट जहां पर मेरे पास टाइटल है एंड मेटा टैग है, और एक हेड कंपोनेंट मेरा यहां पर आ गया है, दैट मींस इस अंडरस्कोर ऐप फाइल में। तो ये फाइल तो मेरा हर पेज के लिए चलता है, तो अब मेरे पास रिडंडेंसी हो गई। रिडंडेंसी कैसे हो गई? मेरे पास दो हेड टैग हो गए, एक हेड कंपोनेंट ये हो गया और एक हेड कंपोनेंट ये हो गया। बट इसके लिए मैं इसको अगर मैं मर्जिंग के कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो नेक्स्टजेएस इन दोनों हेड कंपोनेंट्स को मर्ज कर देता है आपस में। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने अगर यहाँ पर ये हेड कंपोनेंट लिखा है तो ये वाला हेड कंपोनेंट नहीं चलेगा, या फिर ये इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी हमेशा लेटेस्ट वन को ही ज्यादा मिलती है, दैट मीन्स अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों हेड कंपोनेंट्स को नेक्स्टजेएस ने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। दैट मीन्स ये हेड कंपोनेंट का टाइटल एंड मेटा, और इसी हेड कंपोनेंट में नेक्स्टजेएस ने इस पर्टिकुलर हेड कंपोनेंट के कंटेंट को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ये लाइक मर्ज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते ही होंगे डेफिनेटली, तो वो अगर आपको देखना हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर रिडंडेंट कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर टाइटल टैग को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑल इवेंट्स वन और नीचे दिया है मैंने ऑल इवेंट्स टू, ये दो मेरे हेड कॉम्पोनेंट से। अब आप सोचेंगे यहाँ पर भी वही होगा, मर्ज करेगा नेक्स्टजेएस इस पर्टिकुलर हेड कॉम्पोनेंट के साथ, इसको मर्ज कर देगा और ये अंडरस्कोर एप डॉट जेएस में जो मेरा हेड कॉम्पोनेंट है वो तो मर्ज होना ही है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं हम ब्राउजर पर हमें क्या रिजल्ट आता है। अभी अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ और अब इंस्पेक्ट ऑलरेडी ओपन है मेरा एलिमेंट्स, यहाँ पर हेड टैग को ओपन करता हूँ तो आप टाइटल में देखेंगे मेरे पास आ रहा है ऑल इवेंट्स टू। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आया, जरूर आया कॉन्फ्लिक्ट्स, दो टाइटल टैग आ गए जबकि एक टाइटल टैग होना चाहिए। मेटा भी हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं बट उनका नेम वैल्यू से वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर दो टाइटल टैग आ गए बट नेक्स्टजेएस ने कौन सा टाइटल टैग पिकअप किया, ऑल इवेंट्स टू, दैट मीन्स जो मेरा लेटेस्ट में था टाइटल टैग वो नेक्स्टजेएस ने यहाँ पर पिकअप किया। सो यहाँ पर अभी मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई सेंस बनता नहीं है, एक ही हमें टैग चाहिए यहाँ पर। बट यहाँ पर अंडरस्कोर एप डॉट जेएस फाइल को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर फाइल को मैं यूज कर सकता हूँ ये चीज लाइक अगर मेरे पास बहुत सारे पेज कॉम्पोनेंट्स है और मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास यूनिवर्सल और एक कॉमन हेड कॉम्पोनेंट हो जहाँ पर मेरे पास लाइक जो टाइटल मैं सेट कर देता हूँ वो टाइटल रहे, अगर किसी स्पेसिफिक पेज पर मैं भूल गया, सपोज मैं इवेंट एंड इस पर्टिकुलर इवेंट डिटेल पेज पर हेड कॉम्पोनेंट ऐड करना भूल गया, तो फिर जो मेरा अंडरस्कोर एप डॉट जेएस फाइल में जो मेरा टाइटल टैग रहेगा वो टाइटल टैग वहां पर रेंडर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं टाइटल टैग दे देता हूं, दैट मींस नेक्स्ट इवेंट प्रोजेक्ट,
ये मैंने यहाँ पर टाइटल टैग दे दिया। अब अगर मैं इवेंट आईडी या फिर इवेंट डिटेल पेज में टाइटल टैग ऐड नहीं भी करूंगा तो अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइटल टैग मेरे उस पर्टिकुलर पेज कॉम्पोनेंट में ऐड कर देगा। बट अगर मैंने इवेंट डिटेल पेज में टाइटल टैग ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मुझे फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस है वहां पर जो टाइटल टैग है मेरा वो मेरा ओवरराइट हो जाएगा जो मैं उस पर्टिकुलर पेज कंपोनेंट के अंदर टाइटल टैग लिखूंगा उससे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इवेंट पेज दैट मीन्स जो मेरा पेज कंपोनेंट रहता है उसका जो टाइटल टैग रहता है या फिर उसका हेड कंपोनेंट रहता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बजाय कि अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस में। तो यहां पर स्टिल मैं ऐड कर देता हूं हेड कंपोनेंट मेरा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मेरा टाइटल और मेटा टैग ऐड करे। बट अगर टाइटल टैग मेरा किसी पेज कंपोनेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके जेएसएक्स में तो फिर मेरा अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस फाइल का टाइटल टैग ओवरराइड हो जाएगा और जो मेरा पेज कंपोनेंट का टाइटल टैग रहेगा वो वहां पर उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और वो रेंडर हो जाएगा। तो यहां पर हमने अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस में टाइटल टैग ऐड भी कर दिया है, और अगर मैं चाहूं तो मैं किसी एक इवेंट से रिमूव कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं स्लग से रिमूव कर देता हूं टाइटल टैग जहां पर हम फिल्टर इवेंट, अदरवाइज यहां पर तो हमने ऑलरेडी रियूज किया लॉजिक को, मैं यहां से ऑल इवेंट से यहां पर मेरा टाइटल टैग रिमूव कर देता हूं। यहां पर मेरे पास एक ही हेड कंपोनेंट है और उसमें मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब अगर इस पर्टिकुलर पेज को मैं हिट करूंगा यूआरएल में तो यहां पर मेरे पास टाइटल टैग नहीं है, तो मेरा एक कॉमन टाइटल टैग जो मैंने अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस फाइल में लिखा हुआ है वो टाइटल टैग मेरा यहां पर रेंडर होगा। तो अब मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं इस पर्टिकुलर पेज को, तो ये रिफ्रेश हुआ हमारा पेज। अगर मैं हेड कंपोनेंट में जाऊंगा तो मेरे पास टाइटल आ जाएगा नेक्स्ट इवेंट पेज, इंस्पेक्ट करके भी हम देख सकते हैं और हम यहां पर हमारे टैब में भी देख सकते हैं ब्राउजर के नेक्स्ट इवेंट पेज। और अगर मैं किसी और पेज पर जाता हूं दैट मीन्स अगर मैं स्लग पेज पर जाता हूं जो मेरा फिल्टर्ड इवेंट है तो वहां पर मेरा डायनामिकली यहां पर टाइटल टैग चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ब्राउजर के टैब में भी चेंज हो रहा है, वहां पर भी हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम कैसे अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस फाइल का वर्किंग क्या रहता है। तो ये तो इसका एक स्मॉल सा इंप्लीमेंटेशन था कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बट इसको ओवरऑल भी आप काफी सारे रिक्वायरमेंट्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइल मेरा हर एक कॉम्पोनेंट के लिए, हर एक पेज कॉम्पोनेंट के लिए एग्जीक्यूट होता है और नेक्स्ट जेएस हमारे बिहाफ में ये सारी चीजें करता है, आपको इसकी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक मैंने कॉमन अप्रोच बताया कि अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो ये एक मिडिलवेयर जैसा भी हो सकता है, आपने अगर नोड पढ़ा तो वहां पर हमारा मिडिलवेयर रहता था जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में एग्जीक्यूट होता था हम, तो सिमिलरली यहां पर भी अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस फाइल मेरा वही काम करता है कि हर एक पेज कंपोनेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा और वहां पर अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना है उस पर्टिकुलर पेज कंपोनेंट में या फिर एक कॉमन लॉजिक लिखना है जो सभी पेज कंपोनेंट्स के लिए एग्जीक्यूट हो तो वो हम इस पर्टिकुलर ऐप डॉट जेएस फाइल में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।